नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के खास इंपॉर्टेंट वीडियो में। दोस्तों, पंचायती चुनाव में एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि बिना पैसे खर्च किए आप चुनाव को एक प्रभावी तरीके से आगे कैसे ले जा सकते हैं। जी हां, आज का एक वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें बात करेंगे कि आपके प्रचार कैसे प्रभावी प्रचार फ्री में आप कर पाएंगे, उस पूरे जेन्युइन तरीके के ऊपर बात करेंगे। अब बात करते हैं फेसबुक पे। फेसबुक पे भी दोस्तों आपको दो ही तरीका बताएंगे। एक फेसबुक ग्रुप कहे तो वहां पे वो सारे लोग पब्लिकली ग्रुप होगा, जहां पे सब कोई ऐसे क्वेश्चन भी छोड़ेंगे जिससे सबकी राय लेने के लिए, ऐसे में समझेंगे कि हमारी राय इनके लिए महत्वपूर्ण है, हमारी वैल्यू है इनके सामने। ये ग्रुप में आप ये काम करेंगे। और एक होता है फेसबुक पेज, जिसमें केवल आप ही भेजेंगे मैसेज। वहां पे आप एक सुविचार लिख के अपने फोटो के साथ शुभकामना वाला बैनर इत्यादि तरीका से आप उसमें भेजते जाएंगे। तो ये दोनों तरीका, चलिए आपको बताते हैं फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेज बनाने की एक कम समय में आप कैसे बना पाएंगे। तो भाई, इस चीज को मोबाइल से देखते हैं, फेसबुक एप्लीकेशन में जाके कितना आसान है फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेज बनाना। ऐसा कुछ इंटरफेस आने के बाद आपको राइट साइड में कर्नर पे 3 लाइंस जो मिलते हैं उसी में मेन्यू होते ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे आपको दोनों ही ऑप्शन मिल जाएंगे। ऊपर में तो ग्रुप्स मिल जाएगा, थोड़े नीचे पेज मिल जाएगा। यहीं से आप क्रिएट और मैनेज दोनों ही करते। चलिए, ग्रुप वाले पे जैसे हम क्लिक किए तो यहाँ पे कई एक ऑप्शन आते हैं, यानी कि आप नई ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। कई लोगों की बनाई गई ग्रुप है, आप अपना खुद का ग्रुप बनाने के लिए सबसे ऊपर में देख सकते हैं अपने पंचायत के नाम से आप अपना ग्रुप बनाएंगे। लोग समझेंगे कि आपके पंचायत के लोग ही उसमें जुड़ेंगे। इस प्लस वाले पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको टॉप में ही 2 ऑप्शन मिलेंगे, आपको क्लिक करना है क्रिएट अ ग्रुप पे, क्योंकि आपको एक ग्रुप बनाना है। बहुत ही आसान है। आप यहाँ पे अपने पंचायत का नाम लिखेंगे, यानी कि जिस नाम से आप ग्रुप बनाना चाहते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है प्राइवेसी में, आप अपने ग्रुप को पब्लिक करना चाहते हैं, यानी कि सभी के लिए, सभी लोग इसमें मैसेज छोड़ सकते हैं। एकदम पब्लिक ग्रुप बनाइए, आपको ही फायदा होगा। पब्लिक ग्रुप बना दिए, ग्रुप का नाम ले लेते हैं संग्रामपुर पंचायत, जैसे कि हम लिख दिए यहाँ पे संग्रामपुर पंचायत। यहाँ पे अब क्लिक करेंगे क्रिएट ग्रुप। यहाँ पे ग्रुप बन चुका है। आप इसमें कई एक मेंबर हो हैं, इनको इनवाइट करके आप आराम से ग्रुप के लिए इनवाइट भी कर सकते हैं। यानी आपके फेसबुक पे जितने फ्रेंड हैं उनको आप उसमें इनवाइट भी कर सकते हैं जो आपके पंचायत से रिलेटेड है। उसके बाद में आप नेक्स्ट करेंगे, आपको एक फ़ोटो अपलोड करना होगा सुंदर सा, ताकि लगे कि हाँ पंचायत का ग्रुप है हमारा ये। जैसे यहाँ पे अपलोड कवर फोटो पे हम क्लिक करते हैं, आपके गैलरी से चला जाएगा। यहाँ पे आपने जो फ़ोटो डिजाइन किया हुआ है, जैसे मैंने एक फ़ोटो सिंपल सा डिजाइन किया, इसको यहाँ पे डाल के सेव पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे फ़ोटो यहाँ पे सेव हो चुका है। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे ग्रुप्स के बारे में कुछ आप लिख देंगे कि हाँ यहाँ पे ग्राम पंचायत के विकास के लिए आप सभी का, मतलब जो भी आपको लिखना है इसमें आप लिख देंगे। हम ऐसे डमी में बता रहे हैं। लिखने के बाद में एक नया फिर नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे अपने ग्रुप का मकसद, किस मकसद से आप बनाए हैं, कई एक ऑप्शन आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाते हैं। आप इसमें से चाहे तो किसी को सेलेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप उसको ऊपर में एक देख सकते हैं कंटिन्यू एंड लेटर, ऊपर में क्लिक करके आप आगे भी इसको इग्नोर भी कर सकते हैं बाकी चीज़ को। यहाँ पे बस कुछ ही मिनटों में आपका ग्रुप एकदम से रेडी हो गया। देखिए कितना फर्स्ट क्लास का ये ग्रुप लग रहा है। आप इस ग्रुप में पोस्ट डालना शुरू कर देंगे और बस कमेंट, लोगों की लाइक्स और आपके पंचायत से रिलेटेड सारे लोग इसमें आ जाएंगे। इससे फ़ायदा होगा कि आपकी ऑडियंस आपके पंचायत के लोग होंगे, आसानी से आप फ्री में प्रचार कर लेंगे अपने पंचायत में। सेम अब पेज बनाने के लिए भी आपको वही 3 लाइंस पे क्लिक करके मेन्यू में आके पेज वाले पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे सेम आपको एक ऑप्शन आएगा क्रिएट का, क्रिएट पे आप क्लिक करेंगे तो नए पेज आसानी से बना लेंगे। फर्स्ट में आपको एक ऑप्शन आएगा गेट स्टार्ट का। पेज का नाम आप वही मान लीजिए, उसी नाम से हम संग्रामपुर पंचायत के नाम से ही बनाना चाह रहे हैं तो लिख देंगे। यहाँ पे अब ऑप्शन आएगा आपको कैटेगरी सेलेक्ट करने का, कोई भी कैटेगरी। आप पर्सनल ब्लॉग भी डाल सकते हैं, क्योंकि आप कुछ अपनी बात पर्सनल लग यहाँ पे डालेंगे। इस तरीके से आप कुछ भी उसमें टैग लिख के कर देंगे। वेबसाइट देना चाह रहे हैं तो ठीक है, वेबसाइट नहीं है स्किप करेंगे इसको। बस आपका पेज बन चुका है, अब आपको बस सेम वही काम करना है। बहुत आसान होता है दोस्तों, इसे लोग ऐसे क्रिटिकल समझते हैं। यहाँ पे देखिए पेज में वही मैं फ़ोटो जो डिज़ाइन किया हुआ हूँ, ये पंचायत भवन के साथ में, और ये फ़ोटो डाल दिया।
यहाँ पे देख सकते हैं ये पेज बन गया, यहाँ पे डन पे क्लिक कर दिए, आसानी से यहाँ पे पोस्ट वाले सेक्शन पे जाके आप पोस्ट करते रहे जैसे फेसबुक पे करते हैं, वैसे ही आप इस पे पेज पे भी पोस्ट करते रहेंगे। यहाँ पे पोस्ट है, आप कुछ पोस्ट लिखेंगे, फोटो डालेंगे, यहाँ पे जैसे आप पोस्ट फेसबुक पे करते वैसे ही लिखे रहेंगे। ये आपके पेज का फ़ायदा होगा कि आपके पंचायत के नाम का बना हुआ है, आपके पंचायत के लोग तुरंत फॉलो करने लगेंगे, इस पे भी टारगेट ऑडियंस होगा। जैसे पोस्ट आप डालेंगे आपके पंचायत के सारे लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, सारे लोग देखेंगे। आप कैसे आपको टैग्स करना है, अब कौन कौन सी विचार है, वो सब आप इसमें करके पंचायत के लोगों तक पहुंचा सकते हैं अपने बात को फ्री में। दोस्तों ये सारे तरीका के बाद में अब सवाल आता है कि बैनर, आपके हर एक विचार के लिए यदि बैनर बनवाना चाहते हैं इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका आपको बताते हैं दोस्तों bannerbazaar.com। आपको केवल गूगल में ये सर्च करना है बैनर बाजार, अलग अलग डिजाइन है, आप किसी एक डिजाइनर को भी वहां से हायर करके सब्सक्रिप्शन ले लेंगे बहुत ही कम खर्चों में, 25-30 रुपए में आपको बैनर मिलना शुरू हो जाएगा, महीनों तक का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, इतना सस्ता। और आपके चुनाव को मान के चलिए तो एक छोटी सी कॉस्ट, बहुत कम रुपए की खर्च आपके चुनाव में बहुत महंगी रिजल्ट आपको देता है, तो ये भी एक सस्ता ही कहेंगे और फ्री ही मानेंगे इसे भी। जहां चुनाव में लाखों खर्च होते हैं वहां 20-25 रुपए खर्च करना कोई खर्च नहीं कहेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के इस वीडियो का मोटिव रहा एक डिजिटल तरीका से आप अपने चुनाव को कैसे प्रभावी बनाएंगे, और ये सारे एक्सपीरियंस पिछले चुनाव के अनुसार ही है, और ये एक लेटेस्ट एक्सपीरियंस है कि अगले कई चुनाव तक एक पंचायती चुनाव को बहुत आगे ले जाएगा। आप लाजमी अगर आप ये तरीका अपनाते हैं, ये एक डिजिटली तरीका, फ्री तरीका, जो कि आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट देगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, इस वक्त लेंगे आपसे विदा, टेक केयर, बाय बाय।